यहाँ पे चार्जेस क्या लगती है? ये जो पिंडदान करते हैं उसी में रहता है, रहने के लिए सारा कुछ निशुल्क है। अच्छा, पितृपक्ष में भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचते हैं तो रहने की जगह खोजते हैं और सोचते हैं कि हम नजदीक में ही रहें, तो निशुल्क यहाँ पर आप भोजन भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे विष्णुपद द्वार, माता कामाख्या मंदिर के सामने आनंदी भवन है, जहां आप जो हैं रुक सकते हैं और बहुत कम कीमतों में भी। मैं बता दूं कि गया जी में हमेशा पिंडदान होता है, बारह मास जो है पिंडदान होता है। पितृपक्ष में भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचते हैं तो रहने की जगह खोजते हैं और सोचते हैं कि हम नजदीक में ही रहें, विष्णुपद मंदिर के पास में ही रहें। और इसके कारण मैं आज ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, रहने का जगह दिखा रहा हूँ और आपको दिखा दें कि ये रूम जो आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से एक रूम है और इससे भी बड़े रूम जो है इस जगह पे अवेलेबल है। तो आनंदी भवन है जो कि विष्णुपद द्वार के पास है और माँ कामाख्या मंदिर के सामने। तो आपको हम रूम शेयर करते हैं और इनके जो ऑनर हैं उनसे भी हम बात करेंगे। और पहले हम रूम आपको दिखाते हैं, आइए मैं आपको रूम दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि इसका चार्जेस क्या लगता है और पिंडदान यात्री यहाँ आकर किस प्रकार से रुक सकेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे बड़ा सा रूम है और इसमें 3 बेड लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इस तरह का रूम काफी है और सिंगल रूम भी इसमें है, एसी वगैरह का भी सुविधाएं होती है। और यहाँ पर मैं बता दूं टीवी वगैरह, मतलब कि जिस प्रकार से होटल में व्यवस्था होता है उस प्रकार से यहाँ पर आप व्यवस्था पा सकते हैं। यहाँ पर खाने की भी सुविधाएं आपको प्राप्त हो सकती है और पितृपक्ष मेला में यहाँ पे बगल में ही, मतलब कि 17 दिन जो है यहाँ पर फ्री में, मतलब कि मुफ्त में भोजन प्राप्त होती है। हमारे साथ छोटू गुप्त जुड़ गए हैं जो कि यहाँ के ऑनर हैं और इनसे ही बात करेंगे कि हाँ बताइए कि इस रूम जो आपका ये होटल आनंदी भवन, ये जो लोग भी पिंडदान करने के लिए आते हैं उनके लिए, जो पिंडदान करते हैं उनके लिए ये रूम का व्यवस्था रहती है। आपके आपके में किस टाइप का रूम है, कितने कितने बेड का रूम? एसी भी रूम है, डबल बेड का है, 4 बेड का है, 3 बेड का है, हॉल भी है, सारे तरह का फैसिलिटी है। जो भी यात्री मेरे पास पिंडदान करने के लिए आते हैं उनके लिए ये सुविधा दी जाती है। 12 मास तक ये सुविधाएं उपलब्ध सभी के लिए, हाँ 12 मास पिंडदान यात्रियों के लिए। पिंडदान यात्रियों के यहाँ पे चार्जेस क्या लगती है? ये जो पिंडदान करते हैं उसी में रहता है, रहने के लिए सारा कुछ निःशुल्क है। अच्छा, पिंडदान यात्री आते उसी में निःशुल्क सेवा है, सारा कुछ व्यवस्था है, खाने पीने का भी व्यवस्था हो जाता है, खाने पीने का भी व्यवस्था है आपके होटल, ये व्यवस्था हो जाता है। तो बहुत अच्छा, आप देख पा रहे होंगे इस रूम में 3 तरह का जो है व्यवस्था, 3 बेड का व्यवस्था है, चेयर भी लगे हुए हैं। दोस्तों, एसी रूम भी है जो कि हम आपसे शेयर करेंगे। तो आपको मैं एक चीज और बगल में दिखाना चाहेंगे, आप देख पा रहे होंगे हमारे से पितृपक्ष समय में लोग जब यहाँ पे आते हैं तो भोजन की व्यवस्था, इस जो कैंपस दिख रहा है इसमें जो है आपको 17 दिन जो पितृपक्ष समय होता है उसमें भोजन का व्यवस्था दोनों टाइम यहाँ पे 9 बजे रात तक हो व्यवस्था यहाँ पर होती है, तो निशुल्क यहाँ पर आप भोजन भी कर सकते हैं। आपको दिखाया आनंदी भवन, आप यहाँ पे रुक सकते हैं, बहुत दूरी में यहाँ से 100 मीटर के दूरी में जो है मंदिर है, तो आप यहाँ पे ठहर सकते हैं। यहाँ पे एक सुविधा यह है कि पंडा जी भी आपको इस आनंदी भवन में हैं और पूरी जानकारी आपको दे सकते हैं किस प्रकार से पिंडदान करना है, यहाँ तक कि यहाँ पे जितने भी पिंडदान यात्री स्टे करते हैं उनको निःशुल्क जो है व्यवस्था यहाँ पर होती है। तो आनंदी भवन जो हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे, फिर से रिपीट कर दो कि विष्णुपद द्वार के पास ये आनंदी भवन है और माँ कामाख्या मंदिर के सामने, तो यहाँ पर जो व्यवस्था है पूरी अपडेट हम आपके साथ जोड़ते रहेंगे, पूरी पितृपक्ष मेला में आपको हम घुमाते रहेंगे। एक मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।